स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव। फास्ट फूड और टेस्टी वड़ा पाव बनाने के लिए पाव तो लगेंगे ही। इसी के साथ हमने आलू उबालकर उनको मैश करके रखे हैं। चने के आटे का बैटर बनाया है। इसी के साथ है बटर, लहसुन की चटनी जो आखिर में वड़ा पाव बनाते हुए हमें लगेगी, और बाकी सारे मसाले। बटाटे वड़े का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं पहले। इसके लिए मैंने 500 ग्राम आलू लेकर उबाल कर उसे मैश करके रखा है। आलू गरम गरम है तभी मैश करने हैं, नहीं तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं। इसमें सारे मसाले डालेंगे। तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला, हरी मिर्च की पेस्ट ये अपने स्वादानुसार, नमक एक चम्मच। अगर आलू उबालते हुए नमक डाला है तो अभी कम डालें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो स्टफिंग बनी है इसके भी हम वड़े बना सकते हैं, पर इसकी टेस्ट थोड़ी और सुधारने के लिए हम इस पर एक बघार करते हैं। एक चम्मच भर तेल, जीरा डालेंगे एक चम्मच, सरसों भी डाल सकते हैं। जीरा फूटने लगे तो थोड़ी सी हल्दी और हींग डालेंगे, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। जीरा फूटने लगा है, हींग डालने का फायदा एक ये भी है कि ये डालने से गैस नहीं होता, और खासकर जब आलू हो तो हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी और हींग डालेंगे। अब बघार इसमें डाल देते हैं। अब इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अगर आपको प्याज पसंद हो तो इसमें प्याज भी भूनकर डाल सकते हैं, बघार करते वक्त ही डालना चाहिए। गोले तैयार हैं। अभी बटाटे वड़े तल लेते हैं। बैटर जो हमने बनाया है वो चने के आटे में नमक, थोड़ी सी अजवाइन थोड़ी सी मसल कर डाली है जिससे कि इसकी फ्लेवर आ जाए, और बिल्कुल चुटकी भर खाने का सोडा। अभी तेल गरम हो गया है। हल्के गुलाबी रंग के हो जाए ना तब तक इन्हें तलना है। वड़े तैयार है दोस्तों। अब इस वड़े को पाव में रखेंगे। इससे पहले पाव को सेक लेते हैं। पाव में थोड़ा बटर लगाएंगे, लहसुन की चटनी भी लगाएंगे, इसको सेक लेंगे। ऊपर थोड़ा बटर लगाएंगे, लेकिन जब लहसुन की चटनी लगाकर सेक रहे हों तो एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो जल ना जाए, नहीं तो टेस्ट सुधारने के बदले हम टेस्ट बिगाड़ देंगे। ब्रेड तैयार है हमारी। अब वड़ा रख लेंगे। वड़े को यूं थोड़ा सा दबाना है। सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है गर्मा गर्म वड़ा पाव।